हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रवि प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी चैनल के अंदर एक और बार आप सब लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, यूएसडी आईएनआर जो है उसके अंदर जो है वो आप सभी लोगों को बहुत ही बढ़िया जो है वो प्रॉफिट हो रहा होगा। लास्ट वीक के अंदर जब हम मिले थे उस टाइम पे भी बात की थी, ये हम लेवल के आसपास थे 73.29, और बात की थी कि 73.10 का जो लेवल है वो टूटना चाहिए और उसके नीचे जाके क्लोजिंग होना चाहिए। तो देखिए बहुत ही बढ़िया उसने सपोर्ट लिया 73.07 से, और उसने जो है वो एक बाउंस किया है और अभी जो है वो क्लोजिंग लगभग लगभग कुछ 39 के आसपास आया है। तो अब हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट वीक के अंदर हमें क्या करना चाहिए, कौन सा जो है वो हमें सपोर्ट ध्यान में रखना चाहिए, उसके बारे में जो है वो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। थोड़ा सा चार्ट आपके लिए जूम कर लेता हूँ ताकि थोड़ा आपको दिखले। चलो अब बात कर लेते हैं दोस्तों सपोर्ट के ऊपर। तो पहला जो सपोर्ट है वो आपको ध्यान में लेना है 73.24। अब अगर ये लेवल जो है वो टूटता है 73.24 का, तो हम जो है वो थोड़ा सा और गिर सकते हैं, लगभग लगभग मान के चलो 73.07। और 73.07 का जो लेवल है वो अगर टूटता है तो हमारा ऑल टाइम जो लेवल है वो मैंने आपको बता दिया है बहुत ही पहले से कि जिस दिन ये लेवल के नीचे जो है वो क्लोजिंग हुआ इस दिन जो है वो इसका रुकना बहुत ही मुश्किल है। लेवल है 72.92। अब तो आपको ये लेवल याद हो गया होगा, और ये लेवल टूटते ही दोस्तों आप देखोगे एक ही दिन के अंदर 40-50 पैसे की गिरावट जो है वो आप देख सकते हो। सो बी केयरफुल, ध्यान रखना अगर इसके अंदर ट्रेडिंग करते हो या जो है वो शॉर्ट टर्म के अंदर या पोजिशनल जो भी आप काम करते हो उसके हिसाब से, ठीक है। तो मेन जो अब खेल होगा वो होगा 72.90 के आर पार, ठीक है। बाकी तो अभी उसने बाउंस लिया है, बार बार बाउंस ले रहा है, तो अब देखते हैं कहाँ पर जा रहा है। बाकी अभी तो जो मेन ट्रेंड है वो मुझे एट करंट सिचुएशन बैरिश लग रहा है, नीचे लग रहा है। हमने लास्ट वीक के अंदर भी बात की थी कि अगर ये 73.50 के ऊपर जाके क्लोजिंग करता है 50, तो फिर हम जो है वो एक बार 60 के आसपास जो है वो जा सकते हैं, 60-65। तो आप देखिए 61 का हाई लगाया लेकिन वहां पर रेजिस्टेंस आ गया, वापस ये घूम के नीचे 50 के नीचे आ चुका है, 73.50 के नीचे। मतलब अब जो है वो ये 73.50 जो है वो बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस है उसके लिए, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो भी सेफ साइड के ट्रेडर है उनके लिए थोड़ा थोड़ा जो है वो क्वांटिटी में काम करना, और जैसे ही 72.90 का लेवल अगर कट होता है उस टाइम पे आप जो है वो बड़ा काम कर सकते हो। एसएल उस टाइम पे रखना 73.10 का, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं उसके टारगेट क्या होंगे उसके ऊपर। पहला उसका जो टारगेट रहेगा दोस्तों नेक्स्ट वीक के लिए वो रहेगा 73.64 का लेवल। 73.64 के ऊपर अगर हम निकलते हैं तो फिर ये थोड़ी सी तेजी आपको और दिखा सकता है, और हम जो है वो धीरे धीरे करके 73.78 के करीब करीब जा सकते हैं। वहाँ पर फिर एक रेजिस्टेंस है, और ये लेवल जो है वो अगर हम सस्टेन करने में कामयाब हो जाते हैं तो 73.90, और 73.90 का लेवल अगर उसने सस्टेन किया तो अगेन ये जो है वो एक बार 72.22 के करीब करीब जा सकता है। बीच में एक रेजिस्टेंस है, साइकोलॉजिकल आप मान सकते हो 74 का लेवल, ठीक है। 74.05 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है। थोड़ा सा चार्ट को जूम कर लेता हूँ आप देख सको, लेवल नोट डाउन कर सको। इसके लिए अब आपको प्राइस भी अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। क्या क्या ध्यान में रखना है दोस्तों देख सकते हैं, 73.24 अगर टूटता है सीधा 73.07 वो टूटता है 72.90, और 72.90 का लेवल टूटने के बाद इसका बचना जो है वो मुझे बहुत ही मुश्किल लग रहा है। ऊपर में जब तक ये 64-65 के ऊपर जाके सस्टेन नहीं करता है तब तक बाई का कोई चांस नहीं लग रहा है। अगर ऊपर जाता है तो 78, उसके बाद 90, और फिर वापस 74, और उसके पुराने वाले जो लेवल थे वहां पर हम जा सकते हैं। बट अभी क्या है, अभी ये जो कैंडल है वो थोड़ी सी खराब बनी है, तो कहाँ पर ओपन होता है उसके हिसाब से जो है वो मंडे काम करेंगे। अगर कोई मेजर चेंज होगा तो हमारा ऑनलाइन कैंडलस्टिक पैटर्न कोर्स का ग्रुप है, वहां पर जो है वो हम यूएसडी आईएनआर के बारे में भी सजेशन जो है वो देते हैं, और साथ में हमारे नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फ्यूचर स्टॉक,
उसके बारे में भी डिस्कशन करते हैं। तो अगर आप वो सारी चीज़ों के अंदर ट्रेड करते हो या करना चाहते हो, आप जो है वो जुड़ सकते हो हमारे साथ। नीचे आपको ऑनलाइन कैंडलस्टिक पैटर्न कोर्स का लिंक जो है वो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो वहाँ से जो है वो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, तो ये दोस्तों हमने बात कर ली यूएसडी आईएनआर के फ्यूचर के बारे में कि क्या हो सकता है। नेक्स्ट वीक के चार्ट के ऊपर हमने बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं उसके एग्जैक्ट क्या लेवल हो सकते हैं और कौन से लेवल हमें ध्यान में रखने चाहिए उसके ऊपर। अगर आप चाहते हो स्टॉक के फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर काम करना, लाइव कॉल्स पाना, तो हमारा ग्रुप जो है FNO ग्रुप, जिसका नाम है, वो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड किया है। वो लिंक आप ओपन करोगे तो आपको एप्लीकेशन के ऊपर ले जाएगा। वहां पर स्टोर का ऑप्शन होगा, वहां पर FNO नाम का ग्रुप मिलेगा आपको दोस्तों। वो ग्रुप अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो आपको पूरे 30 दिनों के लिए 1500 रुपये, जो फीस है 1500, 1500 रुपये 30 दिनों की फीस है, उसके अंदर जो है वो आपको लाइव कॉल मिलेंगे, फ्यूचर एंड ऑप्शन साथ में इंडेक्स और इक्विटी कैश के अंदर। चलिए दोस्तों, तो पहला जो सपोर्ट है यूएसडी आईएनआर के लिए वो ध्यान में रखना है, 73.25 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट फॉर यूएसडी आईएनआर फॉर नेक्स्ट वीक। अगर ये लेवल जो है वो काटता है और इसके नीचे अगर हम जाते हैं तो 73.05 के लेवल के ऊपर जो है वो हमें ध्यान में रखना है। ये जो है वो हमारा फाइनल सपोर्ट बनेगा नेक्स्ट वीक के लिए। अगर ये लेवल कटता है दोस्तों तो आपको ध्यान ही है कि 72.90 तक हम जो है वो जा सकते हैं, बड़ी गिरावट जो है वो पॉसिबल है दोस्तों। तो यहाँ पर जो है वो आप खास फोकस करना, ये लेवल जैसे ही टूटता है तो हम जो है वो 72.90 के आसपास जा सकते हैं, सॉरी 72.90 के नीचे जो है वो 72.50 के आसपास जा सकते हैं। हमने बात की वैसे 50 पैसे जो है वो एक ही दिन के अंदर तोड़ सकता है, तो जो भी दोस्त हैं वो ध्यान रख सकते हैं दोस्तों। ये मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, मेरा जो चार्ट रीडिंग है वो मैंने आपके साथ जो है वो शेयर कर दिया है। अब हम बात कर लेते हैं उसके टारगेट क्या हो सकते हैं उसके बारे में। टारगेट में दोस्तों नंबर 1 जो टारगेट बनेगा हमारा वो बनेगा 73.60 का लेवल। 73.60 जो है वो हमारा पहला लेवल होगा टारगेट के लिए। अगर ये लेवल जो है वो सस्टेन करता है ऊपर की तरफ तो 73.80 जो है वो आप फाइनल लेवल मान के चलिए नेक्स्ट वीक के लिए। अगर ये लेवल जो है वो सस्टेन करता है ऊपर की तरफ तो फिर ऊपर की मूवमेंट जो है वो हमें कंटिन्यू देखने को मिल सकती है। और दोस्तों बताया वैसे कि अगर आप काम करते हो फ्यूचर के अंदर, कॉमोडिटी के अंदर, तो हमारे दोनों ही ग्रुप है, FNO ग्रुप फ्यूचर एंड ऑप्शन, जिसके अंदर स्टॉक और उसके फ्यूचर के बारे में डिस्कस करते हैं, और नेचुरल गैस वगैरह कॉमोडिटी जो है वो सिल्वर कोड, उसके अगर आप काम करते हो तो MCX ग्रुप है, और सभी आपको लाइव कॉल चाहिए और लर्निंग भी करना है कैंडल स्टिक पैटर्न कोर्स के साथ, तो लर्न और अर्न दोनों का आप प्रॉफिट उठा सकते हैं, दोनों का फायदा उठा सकते हैं। नीचे आपको ऑनलाइन कैंडल स्टिक पैटर्न कोर्स उसका भी लिंक जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो 73.80 के ऊपर अगर हम चलते हैं तो 73.90 से लेके 74.10 के आसपास जा सकते हैं, और उसके ऊपर जो है वो लगभग 74.25 पुराना जो लेवल है वो हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली यूएसडी आईएनआर के नेक्स्ट वीक के व्यू के बारे में क्या हो सकता है, हमने बता दिया 72.90 दोस्तों ऑल टाइम आप ध्यान रखना। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बात करेंगे उसकी अगली प्रोबेबिलिटी के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आप चाहते हो नेचुरल गैस, सिल्वर, गोल्ड, निकल, कॉपर, क्रूड ऑयल, फ्यूचर स्टॉक में, साथ में कैश में भी, ऑप्शन, निफ्टी, बैंक निफ्टी और करेंसी के सारे जो लाइव अपडेट अगर आप चाहते हो, तो जैसे ही आप हमारा ऑनलाइन कैंडलस्टिक पैटर्न कोर्स जो है वो सब्सक्राइब करते हो, तो अगले 3 महीने तक आपको इन सभी के अंदर लाइव मार्केट के अंदर लाइव अपडेट जो है वो मिलते रहेंगे। तो आपको करना क्या है, सिंपल दोस्तों, हमारा कोर्स सब्सक्राइब करना है। प्राइस जो है वो आपको यहाँ पर दिख रहा है, कोर्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको प्रोवाइड किया है। आप जैसे ही लिंक ओपन करोगे आपको एप्लीकेशन के ऊपर ले जाएगा, वहां पर स्टोर का ऑप्शन होगा और वहां से आप जो है वो हमारा कोर्स सब्सक्राइब करते हो, तो उसके साथ साथ 3 महीने तक ये सबके अंदर जो है वो आपको लाइव अपडेट मिलेंगे। तो दोस्तों आज ही फायदा उठाए, लर्निंग के साथ साथ अर्निंग का, लर्निंग भी होगी और साथ में अर्निंग भी होगी।